जब भी कोई एक थ्रिलर मूवी ऑल ओवर द वर्ल्ड में किसी भी एक मूवी इंडस्ट्री के अंदर बनाई जाती है तो उसमें एक सर्टेन सेट ऑफ स्पाइसेस जरूर ऐड किए जाते हैं जिसकी वजह से वो मूवी तुम्हारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बन जाए। बट रेयरली ही दुनिया के अंदर ऐसी लिमिटेड मूवीज हैं जिसकी वजह से जो एक थ्रिलर वर्ड का डेफिनेशन होता है वो तुम्हारे लिए पूरा का पूरा ट्विस्ट हो जाए। एंड प्राइमल फियर इज एक्चुअली वन ऑफ दोस मूवीज। ये मूवी एक्चुअली मेरी एज से भी ज्यादा बड़ी है और ये भी एक शॉकिंग बात है कि यार ये एक्चुअली एडवर्ड नॉर्टन की डेब्यू मूवी है। मतलब इतनी क्लासी और धमाकेदार एक्टिंग पहली बार में करना, इट इज अ वेरी फिनोमिनल थिंग। भाई वर्ड्स कम पड़ गए थे उनकी एक्टिंग और उनकी परफॉर्मेंसेस को जज करने के लिए। उस बंदे ने तो हमें पूरी मूवी के अंदर इतना ज्यादा कंफ्यूज किया और क्लाइमेक्स में तो पूरा प्लॉट ही पलट के रख दिया है। यार मैं सही में बताऊं तो मैं इसकी जो भी बातें तुम्हें बता रहा हूं वो एक्चुअली एक स्पॉइलर टॉक भी हो सकता है, तो उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें पहले वॉर्न नहीं किया है। फॉर वंस हम इसकी स्टोरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब इसकी स्टोरी सुनने में इतनी ज्यादा विजिबल लगती है और ऐसा लगता है कि यार बहुत सिंपल सी स्टोरी है। एक ऑल्टर बॉय रहता है जो कि एक्चुअली एक बिशप के घर से भाग रहा होता है। अब उसके भागते टाइम ना उसके कपड़ों में पूरा खून वून लगा हुआ है और बिशप की भी एक्चुअली डेथ हो चुकी है, तो वो जो ऑल्टर बॉय है उसके पीछे पुलिस भाग रही है उसको पकड़ने के लिए। अब इससे ये तो तय हो जाता है कि यार एक्चुअली वो ही मर्डरर है, तो कोई डाउट तो बचता ही नहीं है। सारी चीजें तुम्हारे सामने ही है, तुम्हें पता है कि इसी ने मर्डर किया है, केस बंद करो और अब हमें नई मूवी दिखाओ। पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें इसमें इंटरेस्ट आना तब शुरू होगा जब तुम्हें इसमें पहला ट्विस्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब ट्विस्ट ये है कि जो ऑल्टर बॉय था वो एक्चुअली मर्डर के टाइम उस रूम में जरूर प्रेजेंट था पर उसे बिल्कुल भी याद नहीं है कि उस रूम में एक्चुअली हुआ क्या, क्योंकि वो खुद ब्लैकआउट हो जाता है और उसे बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहता। पर उसका कहना है कि बिशप और उसके साथ उसी टाइम पीरियड में उसी रूम में एक और कोई बंदा था, तो ये जरूर पॉसिबल है कि उसने भी मर्डर किया हो सकता है और वो इनोसेंट हो। अब ये तो हमारा एक जेनेरिक सा प्लॉट हो गया। अब उस बंदे के लिए स्पेसिफिकली एक नया लॉयर हायर किया जाता है ताकि वो उसका केस लड़ सके और उसी प्रोसेस में उस लॉयर को बहुत सारे अलग अलग एविडेंसेस भी मिलते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी जो कहानी अनरेवल भी हो पाती है। इट इज बेसिकली अ क्राइम मूवी विद एन एक्चुअल यूनिक स्टोरी। वो बेसिकली जो एक कोर्ट रूम होता है जहां पे जजेस और लॉयर्स रहते हैं उसका एक बेसिक लेआउट हमें दिखाने की कोशिश करती है। कैसे सारे लॉयर्स जजेस और क्रिमिनल्स इंटरेक्ट करते हैं कोर्ट रूम के अंदर, उनके क्या रोल्स रहती है, उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है और उनके क्या एम्बिशंस रहते हैं उनके करियर के रिगार्डिंग। मैं लिटरली इस रिव्यू को 2022 में तुम्हें बता रहा हूँ और ये मूवी एक्चुअली इतनी पुरानी है कि उस टाइम का माइंडसेट आज के टाइम से बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो चुका है। हमने बहुत माइंड बेंडिंग मूवीज पहले ही देख ली है और अगर ये मूवी मैं सही में 1996 में देख पाता तो उस टाइम तो मैं इसको देख के ज्यादा ही शॉक हो जाता। और ये बेसिकली प्रॉपर प्योर क्राइम मूवी है तो इसमें स्पेशल इफेक्ट्स की ज्यादा जरूरत थी भी नहीं और इसमें है भी नहीं। तुम एक प्रॉपर सेट ऑफ एक्टर्स को ले आओ और उनको सबसे बेस्ट एक्टिंग करने बोलो, वो तुम्हें इस मूवी में मिलेगा। एक बहुत ही वेल नोन एक्टर है रिचर्ड गियर जिन्होंने इसमें लॉयर का रोल किया जिसका नाम है मार्टिन वेल। अब इस बंदे के जो मूवी के अंदर बिलीव्स रहते हैं वो कैसे डिसबिलीव्स में बदल जाते हैं, एक जो प्रॉपर कोर्ट रूम का ट्रायल दिखता है उसको कितना थ्रिलिंग मैनर में तुम शो कर सकते हो। और जो मार्टिन वेल का कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल भी सिंपैथेटिक नहीं है, वो एक एरोगेंट और एक बहुत ही कंसीटेड सा आदमी है, तो उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरी के पूरे पिक्चर मिला के भी देखा जाए तो अच्छे से रिडेम्पशन नहीं मिल पाया। और यार मैं राइटर्स की गलती नहीं बता रहा हूं इसमें, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि कहानी का प्लॉट ऐसे ट्विस्ट हो जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भी साइड कैरेक्टर बन के रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस बंदे ने एक्टिंग अच्छी नहीं की हो, उस बंदे ने तो बहुत मतलब अप टू द मार्क एक्टिंग की है, पर जो एडवर्ड नॉर्टन का कैरेक्टर है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से सारे के सारे कैरेक्टर्स को आउटशाइन कर देता है। इतनी अमेजिंगली डिस्टर्बिंग परफॉर्मेंस तो मैंने बहुत ही कम देखी है। नाउ टॉकिंग अबाउट स्पेशली एडवर्ड नॉर्टन का जो स्पेसिफिक इसमें कैरेक्टर था, एंड दिस इज स्पेसिफिकली अ स्पॉइलर अलर्ट, इसके कैरेक्टर में एक रेंज है। पहले तो तुम देखोगे वो एक पिटिफुल सा कैरेक्टर है, फिर एकदम से वो डाउनराइट स्केरी बन जाता है। नॉर्टन के कैरेक्टर में उनको एक ऐसा पोटेंशियल शो करना है और एक ऐसा पोर्ट्रेयल दिखाना है जिसमें हमें दिखना चाहिए कि वो कैरेक्टर गिल्टी है भी और नहीं भी, एक ऐसा पोर्ट्रेयल जिसमें हमें शो किया गया कि इस बंदे का स्पेसिफिकली स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है, पर वो नहीं भी है और हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि यार सही में हो क्या रहा है। मूवी 98% खत्म भी हो जाती है और फिर हम कन्विंस भी हो जाते हैं कि यार मूवी चलो खत्म होगी, ये स्टोरी थी और ये केस जीत चुका है या हार चुका है जो भी हुआ मूवी में। फिर भाई मूवी खत्म होते टाइम इतना बड़ा प्लॉट ट्विस्ट हो गया, वो देख के तो मैं तो बहुत खुश हो गया था। एंड एडवर्ड नॉर्टन को भी इस मूवी के लिए अकेडमी अवार्ड में नॉमिनेशन जरूर मिला था और मिलना भी चाहिए था क्योंकि यार ये तुम्हारी पहली मूवी है और उसी में तुमने इतना सॉर्टेड रोल किया, मतलब भाई Best. Killed it. Literally killed it. इस मूवी के डायरेक्टर ग्रेगरी हॉबलेट इज एक्चुअली वर्दी फॉर एन अप्लॉज फॉर दिस मूवी।
ये एक ऐसे डायरेक्टर है जो कि एक्चुअली फेमस है अपने थ्रिलर मूवीज के लिए। और इनके डायरेक्शन की एक खास बात है कि जो एक फ्रेजाइल नेचर ऑफ रिलेशनशिप होता है उसमें तुम एक टाइट रोप की तरह एक थ्रेड को यूज कर रहे हो और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा के पूरा माइंड ट्विस्ट कर देते हो। क्योंकि यार तुम्हारे पास एक पतली सी लाइन है, मतलब तुम्हारी जो मूवी है उसमें तुम्हें सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से परफॉर्मेंस करवानी ही पड़ेगी। क्योंकि यार किसी भी अगर एक्टर ने अंडर एक्ट किया तुम्हारी थ्रिलर मूवी के अंदर तो तुम्हारी मूवी की पूरी बैंड बच सकती है। स्टिल हॉबलेट के अंदर इस मूवी के लिए जो एक पैशन होता है और एक क्राइम कोल्डनेस होती है वो इतने प्रॉपर वे में बैलेंस किया है कि यार हम एक्चुअली डिसाइड कर सकते हैं कि इस मूवी को एक्चुअली इसी चीज की जरूरत थी। इट्स लाइक बहुत अच्छे से अंडों को फेटा गया है, उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ मसाले डाले गए, एकदम लिमिटेड अमाउंट ऑफ नमक भी डाला गया है और तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना के तुम्हें परोसा गया है और तुम पेट भर के उसको खा रहे हो। एनीवेज मास्टर शेफ से बाहर आते हैं एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड दैट दिस मूवी इज एन एक्सेप्शनल वर्क ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स एंड ये चीज तुम लिख के ले सकते हो। एवरी कैरेक्टर इज मल्टी डिमेंशनल, सबकी एक्टिंग इतनी सूदिंग है और ये मूवी सबसे ज्यादा परफेक्ट है। मैं इस मूवी को बार बार फ्यूचर में भी देख सकता हूँ और मेरा उसमें कुछ ज्यादा लॉस भी नहीं होगा, इनफैक्ट अच्छे नए सिनेरियोज ही क्रिएट होंगे उसके थ्रू। सो गाइस आई वाज रियली एक्साइटेड टू टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक मूवी और मैं इस मूवी को तुम्हें जरूर रिकमेंड करूंगा अगर तुम्हें थ्रिलर मूवीज और माइंड बेंडिंग जो एक प्लॉट ट्विस्टिंग मूवीज होती है ना वो देखना ज्यादा पसंद है तो। और अगर तुम सोच रहे हो मैं इस मूवी को कितना रेट करने वाला हूँ तो मैं सही में इसको बहुत रेटिंग दे रहा हूँ। मैं इसको दे रहा हूँ 8.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी सब्सक्राइबिंग।